फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच अब नई चिंता इस बात पर जताई जा रही है कि धीरे धीरे ही सही राष्ट्रीय राजधानी में हॉस्पिटलाइजेशन का दर कोविड 19 की वजह से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार के कल के आंकड़े के हिसाब से दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त कोविड 19 की वजह से 1000 से ज्यादा पेशेंट्स एडमिट हैं। आज मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 17000 के आसपास नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और साथ ही पॉजिटिविटी रेट लगभग 17% रहने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो माइक्रोन का वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले बहुत माइल्ड है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। दिल्ली सरकार ये भी दावा कर रही है कि इस वक्त दिल्ली में लगभग 30000 एक्टिव कोरोना केसेस हैं, लेकिन 24 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं। यानी कि आंकड़े ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कोरोना के मरीज भले ही अब अस्पतालों में ज़्यादा संख्या में जा रहे हों पहले के मुकाबले, लेकिन सीवियरिटी नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का यह भी दावा था कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में पहुंच भी रहे हैं वो असल में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पहले से ही किसी ना किसी तरह का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन था, कोमॉर्बिडिटी थी और एहतियात के तौर पे उन्हें अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। यानी कि एक तरफ जहां दिल्ली सरकार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड्स बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये दावा कर रही है कि भले ही हॉस्पिटलाइजेशन का दर बढ़ रहा हो लेकिन ये वो पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं या पहले से ही किसी ना किसी तरह का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन था। पर दूसरी तरफ लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन के बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए दर को लेके अब थोड़ी चिंता हो रही है।